कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यदि प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा तो दानव क्या है, वो भी उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। तो विश्वास का आत्मा प्रभु के वचन को थामे रहना है। दानव और वो कितने बड़े हैं ये देखने से इनकार करता है, वो केवल वही देखता है जो प्रभु ने कहा है। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. One more time, as we worship, let's worship. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your throne. क्या आपने कभी गौर किया, आप कहते हो ओ मैं बहुत थक गया, तो और थक जाते हैं क्योंकि आप जो भी कहते हैं वो आपको पकड़ लेता है। देखिए, क्योंकि देखिए आपका इन चीजों का अंगीकार, इन चीजों को आपके जीवन के सिंहासन पर विराजमान करता है। जरा कल्पना करें, जब आप इन चीजों का अंगीकार करते हैं, ये इन चीजों को आपके जीवन के सिंहासन पर रखता है। इसलिए निर्णय ले कि आप इन नकारात्मक चीजों को सिंहासन पर नहीं आने देंगे, अपनी समस्या को नहीं आने देंगे, कोई सीट या जगह नहीं देंगे अपने दिल में इन समस्याओं के लिए, इनके बारे में कहने से, अंगीकार करने से। प्रभु ने जो कहा बस वही कहे। मुझे पता नहीं लोगों को यह क्यों अजीब लगता है कि वो कहे जो प्रभु ने कहा है। बहुत से लोग दोष लगाते हैं अंगीकार की इस पूरी बात पर। वो कहते हो ये अंगीकार, ये तो नई आई हुई शिक्षा है, ये सारी बातों जैसी ही पुरानी है। क्योंकि सैकड़ों साल पहले सबसे महान प्रचारक ने कहा था कि मसीहत एक महान अंगीकार है। ये महान अंगीकार है। ये महान अंगीकार क्यों है? क्योंकि आप प्रतिदिन चर्च में जाकर पापों का अंगीकार करते हैं? नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीहत पापों का अंगीकार करने के बारे में है। नहीं नहीं नहीं, केवल पाप करने पर अंगीकार करें। आप हमेशा पाप करते हुए अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, ठीक है? मसीहत किस बारे में है? अंगीकार किस बारे में है? अंगीकार इस बारे में कि आप मसीह यीशु में कौन है और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। मसीहत तो प्रतिदिन अंगीकार करना है जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपके लिए किया है,
और आप कैसे मालिक हैं इन सारी चीजों के जो परमेश्वर ने आपके लिए की है, इसलिए मसीहत को अंगीकार कहते हैं। आप जाकर सबसे पुरानी थियोलॉजिकल बुक पढ़ें, वो यही कहती है मसीहत महान अंगीकार है आपके लिए। परमेश्वर ने जो किया है उसका अंगीकार करना है। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये बाइबल जितनी ही पुरानी है, ये इसी के बारे में है। तो ये सोचना क्यों अजीब है कि जब कोई प्रभु का वचन अंगीकार करता है तो कुछ गलत करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने कहा वो कर सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है? सच में विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है? तो जो प्रभु कहता है वो क्यों नहीं कहते हैं अपनी समस्या के लिए? आप क्यों नहीं कहते जो प्रभु ने आपकी बीमारी के लिए कहा है? आप वो क्यों नहीं कहते जो प्रभु आपकी जरूरत के लिए कहता है, धन के लिए? आप वो क्यों नहीं कहते जो प्रभु आपके परिवार के लिए कहता है? आप वो क्यों नहीं कहते जो प्रभु आपके बच्चों के लिए कहता है? जो प्रभु कहता है उसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपने कहा कि प्रभु जो कहता है वो कर सकता है। आपने अभी मुझे ये बताया, जो भी वो प्रभु कहता है वो कर सकता है, सच है ना? वो करने योग्य है, वो योग्य से बढ़कर है, क्योंकि जब वो कहता है तो उस वचन में सामर्थ होती है कि उसने जो कहा है उसे पूरा कर दे, उसे पूरा कर दे, वो जरूर करेगा। यदि ऐसा है तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप वो क्यों नहीं कहते जो ये कहता है कि आप कर सकते? बाइबल कहती है उदाहरण के लिए, मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, जब स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तुम्हें संतान होगी, मरियम ने कहा मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसा होगा? स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अब यह बहुत ही विख्यात कहावत है, बहुत से विश्वासी कहते हैं प्रभु के साथ कुछ असंभव नहीं, प्रभु के साथ कुछ असंभव नहीं। भाई यह अच्छा सुनाई देता है, लेकिन वो केवल आधे रास्ते आए हैं ऐसे विश्वासी, क्योंकि वो केवल विश्वास करते हैं कि प्रभु के साथ कुछ असंभव नहीं है। यही बाइबल आगे ये कहती है, पौलुस कहता है मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। क्या आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है? मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि प्रभु के साथ कुछ असंभव नहीं है। बहुत से विश्वासी शहर में कहते हैं ओ भाई प्रभु के साथ कुछ असंभव नहीं, कुछ असंभव नहीं है। वो कभी अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहते प्रभु की स्तुति हो, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। मैं बहुत कम विश्वासी को यह कहते देखता हूं, और अगर आप ये कहें तो अजीब तरह देखते हैं। वही परमेश्वर जिसने बाइबल में कहा कि कुछ असंभव नहीं है, उसके साथ उसने ये भी यहां रखा है और उसने कहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि पौलुस सब कुछ कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो मेरे जैसा इंसान है, उसके पास मेरे जैसे मसीह है, उसके पास मेरे जैसे उद्धार है, उसके पास मेरे जैसे पवित्र आत्मा है, वो बिल्कुल मेरे जैसे है, मैं क्यों नहीं कह सकता? यदि ये उसके लिए संभव है तो मेरे लिए संभव है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कहते हैं, ये इसीलिए क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि छुटकारे ने उनके लिए जो दिया है उसे कैसे ले और अपनी छुटकारे की वास्तविकता में चले। देखिए, वो प्रभु के बारे में कहते हैं कि वो कहीं दूर है और उसके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन आपके बारे में क्या? यह आपके लिए कब संभव होगा? आप अपने जीवन में कब विजय पाएंगे? वो कभी इस क्षेत्र में नहीं आते जब तक वो अंगीकार न समझ ले मसीह अंगीकार, प्रभु वचन का अंगीकार करना, तो वो कभी उसे नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो प्रभु ने उनके लिए छुटकारे में प्राप्त किया है। तो मैं इसे अजीब नहीं देखता कि मैं ये कहूं कि मैं क्या कर सकता हूं मसीह यीशु में। मैं ये कहने से नहीं लजाता, मैं हमेशा कहता हूं कि मसीह यीशु में और उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं। जब मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था, मैं इसे कहता था मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ये कहता था मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मैंने अपना जीवन ऐसे ही शुरू किया, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। मैंने ऐसे ही शुरू किया और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, और इसी तरह से मैं अंत तक आगे बढ़ूंगा। जो हंसते हैं वो हंसते रहे मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कहते रहूंगा कि मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है। जो परमेश्वर कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि वो मैं कर सकता हूं। यदि प्रभु ने कहा है कि मैं ऐसा हूं, तो मैं कहूंगा मैं ऐसा हूं। हां, मैं प्रभु के साथ सहमत हो जाऊंगा, मैं प्रभु की ओर से रहूंगा। मैं वही कहूंगा जो प्रभु कहता है, मैं वो नहीं कहूंगा जो समस्या कहती है, मैं वो कहूंगा जो प्रभु कहता है, क्योंकि मैंने एक बात सीखी है
कि चाहे प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी हासिल किया हो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, और चाहे वचन इसे कितना भी बताएं, यदि मैं अपनी गवाही इसके साथ नहीं जोड़ता हूं, यदि मैं अपनी गवाही नहीं जोड़ता इसके साथ में, तो मैं इसे नहीं पाऊंगा। मैं सिर के बल खड़े रह सकता हूं, हर शनिवार उपवास कर सकता हूं, मैं भीख मांग कर चिल्ला सकता हूं, रोते हुए आंसू बहा सकता हूं, वो सब कुछ कर सकता, लेकिन मैं इसे नहीं पाऊंगा जब तक मैं प्रभु के वचन से अपना मुंह न भर दूं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया है, जैसे मैं आपको बता रहा था, मनुष्य जाति ऐसी सृष्टि है जो शब्दों को चुनकर कह सकती है, जानवर केवल दोहरा सकते हैं, स्वर्गदूतों को खुद कुछ कहने के लिए मना किया गया है अपनी ओर से, केवल उन्हें प्रभु की बातें कहनी है। उनके पास चुनाव का अधिकार नहीं, उनके पास कोई चुनाव नहीं है, बस प्रभु से संदेश ले और आकर बताए कि यह क्या है। मनुष्य ही केवल वो है जिसके पास चुनने का अधिकार है। प्रभु कहता है तुम चुनो, स्वर्गदूतों ने अपने शब्द चुने तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से फेंक दिया। यदि मनुष्य से चुनता है और गिर जाता है, और प्रभु उससे प्रेम करता और उसे छुटकारा देकर बचाना चाहता है और उसे खुद की ओर लाना चाहता है, देखिए सब महान सत्य है जो आप सीख सकते हैं। केवल आप ही वो सृष्टि है जो अपने वचन चुन सकते हैं। आप वो चुन सकते हैं जब आप अपनी समस्या कहने का चुनाव करते हैं। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे जैसे बनाया है, कि सोचे और मूल्यांकन करे, ठान ले और निर्णय ले और चुनाव करे, और जो चाहे वो चुन सकते हो। मैंने तुम्हें चुनने की आजादी दी है, तुम्हारा आदर और सम्मान किया है, जैसे तुम चाहो चुन सकते हो। इसके लिए आप उसका आदर करें दोस्तों, उसकी सराहना करें, ठीक है? तो चुने, इसलिए बाइबल कहती कि जीवन चुने। प्रभु ने कहा जीवन चुने। आप जीवन कैसे चुनेंगे? प्रभु का वचन चुनने से जीवन चुने। जीवन तो वचन में है, ठीक है? तो मैं वही कहूंगा जो प्रभु कहता है कि मैं कर सकता हूं। मैं कहता हूं जो प्रभु कहता है कि मैं कर सकता हूं। मैं वो सब बातें कहूंगा क्योंकि प्रभु जो कहता है वो मेरे जीवन में वास्तविकता हो जाएगी यदि मैं उसे कहना शुरू करता हूं तो। बस यही, आमेन। तो बहुत से लोग जीवन में समस्या में आते हैं तो कहते हैं, देखिए काश मैं जानता कि क्या करना चाहिए, मैं बड़ी समस्या में हूं, मुझे पता नहीं कि क्या करूं। खैर, बस अपनी बातें बदल दें। ये कहने के बजाय कि पता नहीं क्या करूं, आप कहने लगे कि मसीह मेरे लिए बुद्धि बनाया गया है। देखिए, इसी वचन में यहां ये कहता है कि मसीह छुटकारा बनाया गया, पहला कुरिन्थियों 1:30-31, ठीक है? मसीह मेरे लिए बनाया गया, चार बातें, और उसमें है छुटकारा और बुद्धि। मसीह मेरे लिए बुद्धि बनाया गया। यदि मसीह मेरी बुद्धि है तो क्या आप विश्वास करते हैं कि आज मसीह आपकी बुद्धि है? सब लोग कहे मसीह मेरी बुद्धि है। बहुत से लोगों के लिए वास्तविकता नहीं है। यदि वास्तविकता होती तो कभी नहीं कहते पता नहीं क्या करूं भाई, प्रभु जानता है, जानते हैं मैं यहां बड़ी परेशानी में हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु की स्तुति हो, इस समस्या में मेरे पास उत्तर है, मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, क्योंकि स्वयं मसीह मेरी बुद्धि है, वो मुझ में रहता है, बुद्धि मुझ में रहती है। ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं हल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं जिस पर जय नहीं पा सकता, ऐसा कुछ नहीं जिसे मेरे जीवन में हरा नहीं सकता। हर चीज जो मेरे विरुद्ध में आती है, हर समस्या, हर मुश्किल, कोई भी बेचीदा परिस्थिति, मैं उसे हल कर सकता हूं क्योंकि मसीह मेरे लिए बुद्धि बनाया गया है, वो मेरी बुद्धि है, इसलिए बुद्धि में मुझे कोई कमी नहीं। आमेन। यानी हमें एक भूमिका निभानी है, यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप वो न कहे जो प्रभु कहता है, आप उसे नहीं पाएंगे। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी विश्वास योग्य हो, चाहे आप कितने भी पवित्र हो, जब तक आप अंगीकार के इस भाग को न सीखे, आप इसे नहीं पाएंगे। अंगीकार चीजों को लाता है, उसे जो प्रभु ने आपके लिए किया है। अब विश्वासियों में से बहुत से लोग आशा करने वाले हैं, सब कोई आशा करता है, सबकी भलाई की कामना करता, वो खुद की भलाई की आशा करते हैं। देखिए, यदि आशा से ही ये सब कुछ हो जाता तो आज हम सब करोड़पति होते, क्योंकि हम सब ने एक न एक बार आशा की है। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कामना करने से नहीं मिलता। किससे मिलता है? अंगीकार से यह मिलता है। प्रभु के वचन में जाए और प्रभु का वचन लेने लगे, उसे मुंह में रखकर बोलना शुरू करे, वही इसे लाता है। आमेन। चलिए इसे और देखें, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4, चलिए 3 वचन से पढ़ते हैं।
मैं आपके सामने अंगीकार का यह पूरा विचार बताना चाहता हूं कि कैसे यह बाइबल में मजबूती से बताया गया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 3, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। गौर कीजिए, हमारे पास एक खजाना मिट्टी के बर्तन में है। वो किस खजाने के बारे में कहता है? यदि आप तीसरे अध्याय तक पढ़ते जाएं, ये परमेश्वर की महिमा के बारे में कहता है जो वो थी उन दस आज्ञाओं में। जब मूसा ने 10 आज्ञाएं पाई, पिछले अध्याय में कहता है जब वो पहाड़ से नीचे आया तो उसका चेहरा ढांकना पड़ा क्योंकि महिमा उसके चेहरे पर इतनी चमक रही थी कि लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन की महिमा ऐसी ही थी। वचन जो परमेश्वर ने कहा था वो लिखकर उसे दिया गया। परमेश्वर की महिमा प्रभु के वचन के द्वारा उसके चेहरे पर इतनी चमक रही थी कि लोग उसे नहीं देख पाए। ये यही कहता है, अध्याय 3 में यही कहता है, महिमा इतनी महान थी। और फिर यदि आप अध्याय 3 में वचन 18 देखें तो ये कहता है, अब हम सब उघाड़े चेहरे से, देखिए यहां पर नए नियम से कह रहा है, हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आज हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। हम परमेश्वर की महिमा कहां देख सकते हैं? आज प्रभु की महिमा कहां है? वो महिमा जो 10 आज्ञाओं में थी, वो महिमा जो परमेश्वर के वचन में थी, वो महिमा वहां मूसा के दिनों में थी, वो आज कहां पर है? और उसके लिए आपको जवाब मिलता है अध्याय 4 वचन 7 में कि अब वो है इस मिट्टी के बर्तन में। जब वो इस मिट्टी के बर्तन के खजाने के बारे में कहता है तो ये खजाना क्या है मेरे दोस्तों? ये खजाना तो परमेश्वर की महिमा है। वो प्रभु की महिमा आप तक कैसे आई है? ये आप तक आई है प्रभु के वचन के द्वारा। मूसा पत्थर की उन पट्टियों को लिए था जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी और महिमा उसके चेहरे को ढाक कर थी और उसे कोई नहीं देख सका। आज आप और मैं, हम परमेश्वर के वचन को लिए चलते हैं अपने दिल की इन पट्टियों पर। हमारा दिल वो पट्टियां बन गया है जहां परमेश्वर ने लिखी अपनी व्यवस्था, अपना वचन। हमारा दिल तो वचन से भरा हुआ है। जब आपका और मेरा दिल नए नियम के समय में, जब आपका दिल और मेरा दिल प्रभु के वचन से भर जाता है तो वो परमेश्वर की महिमा से भर जाता है। पुरानी वाचा में प्रभु की महिमा को बक्से में रखा जाता था और वाचा का संदूक कहते थे। आपने सुना होगा वाचा का संदूक। अब वाचा के संदूक के अंदर क्या था? उसमें मुख्य बात तो थी 10 आज्ञाएं, पत्थर की पटियां जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी और वो मूसा को दी गई थी। उन्होंने इसे वाचा के संदूक में रखा। यह बहुत ही विशेष बात थी। जब वो जंगल में अपनी यात्रा पर जाते थे, जब वो जाने के लिए उठते, तो जो व्यक्ति संदूक लिए चलता था वो आगे आगे जाता था और जैसे ही वो संदूक उठाकर चलने लगता था, गिनती 10:35 कहता है, तब मूसा जोर से कहता कि प्रभु उठकर खड़ा हो और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। ये गंभीर बात है क्योंकि वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की महिमा थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां था। क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर है, यह इसी तरह माना जाता था। तो मूसा ने कहा, जैसे संदूक उठाया जाता, जैसे वो संदूक उठाते कि आगे बढ़े और लोगों की अगुवाई करे, वो कहता प्रभु उठ खड़ा हो और उसके शत्रु तीतर बितर हो जाएं। यानी महिमा उस बक्से में थी मेरे दोस्तों। आज महिमा बक्से में नहीं है, प्रभु की महिमा तो इस मिट्टी के बर्तन में है। जरा कल्पना करें, यानी इस तरह जब आप उठते हैं तो प्रभु उठता है। जब आप परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं तो यह मानो प्रभु की सामर्थ काम करती है।
जब आप जाते हैं तो प्रभु जाता है, जब आप कहते हैं तो सब होता है, क्योंकि अब प्रभु की महिमा किसी बक्से में नहीं है। किसी ने कुछ साल पहले कहा कि वाचा का संदूक मिल गया है। अब हम विश्वासियों के लिए बहुत ही आसान है कि जाकर वाचा का संदूक लाएं और वो उसे म्यूजियम में रखेंगे तो जाकर हम उसकी आराधना करेंगे, जानते हैं, तो वो उसके आसपास भवन बनाकर वाचा के संदूक की आराधना करते। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यदि वो यहां आए तो मैं जाकर देखूंगा। ये दिलचस्प है, उन दिनों में वहां परमेश्वर की महिमा थी, वहां पर पत्थर की पट्टियां थी जो मूसा को परमेश्वर ने दी थी और ये सब, ये दिलचस्प होता, लेकिन उससे बढ़कर और कुछ नहीं। वो बक्सा तो केवल खाली बक्सा है। आज अगर आपको आश्चर्य के रूप में देखना है तो आप खुद को देखें, वो आपकी आत्मा है, ये आप हैं, जो आप हैं, आप ही हैं जो परमेश्वर की महिमा को लिए चलते हैं। यही बात तो लोगों को नहीं बताते हैं। देखिए, आज हमें यही सीखना चाहिए कि आप कुछ है, कि परमेश्वर आपकी ओर देखता है, कि आप मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें उसने अपना खजाना रखा है आपके अंदर में। आमेन। यानी आपका दिल मिट्टी का बर्तन है, ये शरीर मिट्टी का बर्तन है, इस शरीर में आपकी आत्मा है, यहीं पर यह खजाना रखा गया है, प्रभु का वचन यहां पर है। और जब आप प्रभु का वचन कहते हैं, जब आप प्रभु का वचन अंगीकार करते हैं, तो सच में आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं। जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो सामान्य मनुष्य के शब्द नहीं, यदि आप प्रभु का वचन खोलते हैं तो हम प्रभु की महिमा खोलते हैं सच में। अब देखिए वचन 13, आगे बढ़ते हैं वचन 7 के बाद में। वचन 7 कहता है कि हमारे पास एक खजाना है, यानी ये महिमा, यानी परमेश्वर का वचन और महिमा जो उसके साथ आती है इन मिट्टी के बर्तन में। वचन 13 कहता है, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु के वचन के साथ क्या करते हैं और विश्वास का जीवन किस बारे में यहां प्रकट किया गया है। ये कहता है, जबकि हमारे पास विश्वास का वही आत्मा है, सब लोग कहें हमारे पास विश्वास का वही आत्मा है। क्या आपके पास विश्वास का वही आत्मा है? विश्वास का आत्मा कैसा है? विश्वास का आत्मा वो है जो यहोशू और कालेब के पास था, याद है, 12 भेदिए देश का भेद लेने के लिए गए और वापस आए और उनमें से 10 ने बुरी खबर दी, कहा खैर उस देश में दानव हैं, हम टिड्डियों जैसे हैं हमारी दृष्टि में भी और उनकी भी दृष्टि में वैसे ही हैं। देखिए वो फिर से बड़ा कर रहे थे, वो पहले दानव थे और ये लोग दानव को बड़ा कर रहे थे, समस्या को बड़ा कर रहे थे। लेकिन दो लोग थे, यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा कि अभी जाकर हम उस देश को लेते हैं, हम पूरे योग्य हैं, ये बहुत ही आसान है, हम जाकर देश ले सकते हैं। वो नहीं डरे, उन्होंने वही दानव देखे थे। लेकिन अब इन दोनों ने अलग तरह से कहा, क्योंकि उनके पास विश्वास का आत्मा था और दूसरों के पास संदेह का आत्मा था और अविश्वास का। इन लोगों में विश्वास का आत्मा था, विश्वास का आत्मा वही दानव देखता है और वही मुश्किलें, वही रुकावटें देखता है, लेकिन विश्वास का आत्मा वही कहता है जो प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें देश दिया, तो जो प्रभु ने कहा वो यहोशू अध्याय 1 में है, वचन 5 में प्रभु ने कहा कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यदि प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा तो दानव क्या है, वो भी उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। तो विश्वास का आत्मा प्रभु के वचन को थामे रहना है। दानव और वो कितने बड़े हैं ये देखने से इनकार करता है, वो केवल वही देखता है जो प्रभु ने कहा है। अब कितने लोगों में विश्वास का आत्मा आया है? इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप समस्या के बारे में कहते हैं अपने दानव, बड़ी समस्याएं, बड़ी मुश्किलें, तब वो विश्वास का आत्मा नहीं मेरे दोस्तों। विश्वास का आत्मा वही कहता है जो प्रभु ने कहा है और आपकी समस्या जो कहती वो नहीं। These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh. These are the days of his servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest, the fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds,
shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun.